अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, ये टेंशन ना लो, ये टेंशन ना लो, ज्यादा सख्ती ना करो भाई, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। तुमने तो अल्लाह को पता नहीं क्या समझ लिया, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। इल्म का मसला, غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب, अल्लाह गुनाहों का माफ करने वाला है, तौबा का कबूल करने वाला है और शदीद अज़ाब देने वाला है, तीनों साथ है। ये जो साइकोलॉजी एक तरफ हुई है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है तो वो पकड़ेगा ही नहीं किसी चीज के ऊपर, तो इस पे एक शेर है कि तुम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हो और ये उम्मीद किए जा रहे हो कि जन्नत तुम्हारी है और कामयाबी भी तुम्हारी है, तुम ही उसके हकदार, वह नसीत और तुम भूल गए अन्नल्लाह अखरज आदमन, कि अल्लाह ताला ने आदम को निकाला जन्नत से, मिनहा इला दुनिया बिदम्मिन वाहिदन, और जन्नत से दुनिया में भेज दिया एक गलती के ऊपर, एक गलती के ऊपर तुम्हारी इब्तिदा है इस दुनिया के अंदर, और तुम कहते हो कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है तो लिहाजा तौबा के बदलने की जरूरत नहीं। बदलो भाई, रहमत की उम्मीद करो बदलने के साथ, नहीं बदलते तो शदीदुल इक़ाब याद रखो, अगर बदल गए हो, अगर रास्ता बदल गए हो तो गफूर रहीम समझो, और अगर रास्ता नहीं बदलते तो शदीदुल इक़ाब समझो ताकि रास्ता बदलो।